टीम इंडिया इस समय बांग्लादेश दौरे पर है। इस दौरे के बाद टीम इंडिया अपने घर पर एक के बाद एक कई बड़ी सीरीज खेलने वाली है। भारतीय टीम नए साल की शुरुआत में सबसे पहले श्रीलंका की मेजबानी करेगी। इस सीरीज से माना जा रहा है कि टीम इंडिया अपने नए दौर की शुरुआत करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे से टीम इंडिया को नया T20 कप्तान मिल सकता है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इस समय भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्हें बांग्लादेश दौरे पर आराम दिया गया है। इसी बीच वह श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाली सीरीज से पहले नेशनल क्रिकेट अकादमी पहुंच गए हैं और जमकर तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि टीम इंडिया जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 और वनडे सीरीज खेलेगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि हार्दिक पांड्या को इस सीरीज से T20 टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। दिसंबर में अपॉइंट होने वाली नई सिलेक्शन कमेटी श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज और इतने ही मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन करेगी। माना जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम अब T20 फॉर्मेट में युवा खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ना चाहती है। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की कमान संभाल सकते हैं। उन्होंने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में अपने कप्तानी का दमखम दिखाया था। T20 वर्ल्ड कप के बाद से ही टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी खतरे में मानी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोहित शर्मा वनडे और टेस्ट में कप्तानी जारी रखेंगे। वहीं T20 टीम में बदलाव किए जाएंगे। हार्दिक पांड्या के बतौर कप्तान आंकड़े भी काफी शानदार रहे हैं। वह IPL में बतौर कप्तान पहले ही सीजन में खिताब जीतने में कामयाब रहे थे। क्रिकेट की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।